हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही फ्लेवरफुल पनीर साटे की रेसिपी लाई हूँ। एक स्टार्टर है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपियों का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम करीब पनीर ले लिया है, इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है, लंबे लंबे पीसेस में काटा है मैंने, आप देख सकते हैं, और मोटा मोटा ही रखा है। और इसके लिए हमको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे टूथपिक स्टिक लिया है। अगर आपके पास हो तो ये ले सकते हैं, बड़ी स्टिक हो तो वो यूज कर सकते हैं या बिना स्टिक के भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी भुनी हुई मूँगफली ले ली है, इसका छिलका उतार दिया है, और 4-5 लहसुन की कली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। हम लहसुन को बारीक काट लेंगे, और ये देखिए मूँगफली हमने कूटने में डाल दिया है, अदरक कूटने वाले में, इसको हम रफली कूट लेंगे। हमको ग्राइंडर में इसको पीसना नहीं है, बस दरदरा सा ही इसको रखना है। ये देखिए हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, सारा हमने इसमें डाल दिया है, लहसुन को भी बारीक काट लिया है, अदरक को भी चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फ्लोर का यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। आप चाहें तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने चिली सॉस डाला है, 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही ये चिंग चाइनीज सॉस है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है, और पानी डाल के एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। इसको धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, पर हमको एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। ये देखिए मैंने स्मूथ सा बैटर बना लिया है, हमको ऐसा ही बैटर चाहिए। अब हम कढ़ाई रखेंगे और इसको गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं कम ऑयल का यूज करूँगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच करीब ऑयल डाल दिया है। अब हम अपना पनीर लेंगे और इसको स्टिक में फिट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा बन गया ये। अब हम इसको अपने बैटर में कोट कर लेंगे चम्मच की सहायता से, पूरा अच्छे से कोट हो जाता है, और हम इसको पैन में डाल के और सारे साइड से सेक लेंगे। बहुत ही अच्छा ये फ्राई हो जाता है, इसमें ऑयल भी कम लगेगा हमको, पर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। अच्छे से कोट करके एक बार में जितने पनीर स्टिक आएंगे हम उतने फ्राई कर लेंगे। ये देखिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 से 5 स्टिक को डाल दिया है। अब हम इसको तेज़ गैस पे ही सेकेंगे क्योंकि पनीर बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है, इसलिए हम गैस का फ्लेम तेज ही रखेंगे और सावधानी से इसको उलट पलट के सेक लेंगे। देखिए इसकी स्टिक से ही उलटने में भी बहुत ही आसानी होती है, पर इसको सावधानी से करना है फ्रेंड्स। आप चाहें तो फोक या चम्मच की सहायता से भी इसको पलट सकते हैं, देखिए चम्मच से भी बहुत आसानी से पलटा जाता है। और हम इसको सब साइड से उलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, आप देख सकते होंगे कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स, आप ऐसे भी इस स्टिक को खा सकते हैं चटनी के साथ या सॉस के साथ, ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए उलट पलट के हम इसको सब साइड से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। और बाकी के ही बेचे बड़े पनीर स्टिक बचे हैं उसको भी हम डाल के सेम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा थोड़ा सा बैटर बच गया है, तो हम इसी में 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर डाल के और सॉस के लिए अपना ये बैटर तैयार कर लेंगे। बचे हुए तेल में ही हम वापस यूज कर लेंगे इसी कढ़ाई में ही। आपको चाहिए तो थोड़ा और तेल डाल सकते हैं, पर मैंने पहले ही बोला मैं कम तेल का यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन ये डाल दूँगी जो मैंने यहाँ पहले ही कद्दूकस करके रख रखा था, इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये कुटी हुई मूँगफली डाल दी है, रोस्टेड मूँगफली है, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इन सबके साथ में ही। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और यहाँ पे 1.5 चम्मच करीब सेजवान सॉस डालूंगी। फ्रेंड्स, में सेजवान सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप भी यूज करा है और 2 टेबल स्पून करीब विनेगर ऐड करूँगी इसमें मैं,
फ्रेंड्स इसमें सारे सॉस की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और इसको थोड़ा सा हमको सावधानी से करना क्योंकि ये छिटकता है, तो हम थोड़ा सा ढक्कन ऊपर से लगा लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, और नमक स्वाद अनुसार, और ये हमने जो घोल बना के रखा था वो डालेंगे। फ्रेंड्स हमें नमक सावधानी से डालना है क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। अभी हमको ये बहुत गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी का यूज करूँगी, और इसको थोड़ा सा और पानी डाल के और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे 1 से 2 पिंच अजीनोमोटो का यूज करूँगी, अगर आपके पास हो तो डालिए नहीं स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा हर्ब्स का यूज करूँगी, इन सब से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये रेसिपी बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। और अब हम इसमें ये अपने पनीर की स्टिक डाल देंगे। आपको अगर इन सब का टेस्ट बैलेंस करना हो तो आप इसमें 1 चम्मच शुगर का भी या हनी का भी यूज कर सकते हैं, पर हमारे घर में सबको तीखा ही पसंद है इसलिए मैं इसमें शुगर स्किप कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सारे पनीर के पीसेस डाल के इसको सॉस में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अब ऊपर से हम कटे हुए हरे प्याज के पत्ते ऐड करेंगे। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है, वाओ लुकिंग टेस्टी। तो चलिए सर्व करते हैं, हम इसको प्लेट में डालेंगे। ये देखिए खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपियों का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है ना, ये देखिए यम्मी यम्मी सा। आप ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। आपको पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने प्यार बनाए रखिएगा।